धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी पर पूरे देश की निगाह टिकी है। इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उनको टक्कर देने के लिए गठबंधन की ओर से अजय राय और बीएसपी भी ताल ठोक रही है। तो देखिए वाराणसी से सहारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। सहारा प्रणाम। सहारा समय के खास प्रोग्राम चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। सहारा समय की टीम आ पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में, और हम जानना चाहेंगे कि काशी का क्या मिजाज है, पिछले 10 सालों में काशी में किस तरह के विकास हुए हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है। ये 80 घाट है, 80 घाट पे हम पहुँचे हुए हैं। हमारे सामने माँ हिमांग जी, महामंडलेश्वर जी हैं। क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको इन 10 सालों में? इन 10 सालों में मैंने देखा है कि हमारे बनारस के जितनी भी घाट है उसका विकास हुआ है, कॉरिडोर बना है, सड़कों का विकास हुआ है। तो कई हद तक वाराणसी, बनारस जो है, क्योंकि स्वयं बनारस वासी ही कह रहे हैं कि काफ़ी विकास यहाँ हुआ है और काफ़ी बदलाव हुआ है बनारस में। हम घाटों को देखते थे पहले तो घाट एकदम कच्चे हुआ करते, तो आज बनारस का गंगा घाट, माँ गंगा का जो घाट है वो इतना साफ सुथरा और इतना डेवलप्ड किया है। नमो घाट देख लीजिए आप ये तुलसी घाट भी देख लीजिए आप, तो कई घाटें हैं जिनका विकास हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी बिल्कुल, कई घाट हैं जिनका विकास हुआ है। आप यहीं के हैं, किन मुद्दों पे काशी की जनता जो है वोट डाल रही है? काशी की जनता अपनी सुरक्षा, समृद्धि और उन्नति के, और बाकी सारे मुद्दे जो हैं बहुत ही नगण्य हैं इसके सामने। रोजगार, सभी पढ़े लिखों को रोजगार है, सभी पढ़े लिखों को रोजगार मिल रहा है, वो सब मुद्दे एकदम तुच्छ मुद्दे हैं। वो विपक्ष उसको लेके जितना उछलती रहे, चिल्लाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काशी की जनता बम बम है, वो मोदी जी के संग है और मोदी जी के परिवार के रूप में खड़ी है, जिसका झलक कल दिखा दिया गया। जी काशी की जनता बम बम है। आप यूथ हो, क्या कहना है काशी में किसका? अरे जलवा है, अरे जलवा तो पूरा बीजेपी का समय चला हुआ है। क्यों इस टाइम, और इस टाइम प्रधानमंत्री भी पूरा एकदम खेल को सपोर्ट दिए हुए हैं, हम लोग भी उसी टाइम मतलब उसी खेल में हम लोग का रुझान रहता है। अब बनारस में पूरा इतना परिवर्तन इतना अच्छा खासा हुआ है कि पूरा एकदम दबाव पूरा बिल्कुल हर कोई कह रहा है कि बनारस में परिवर्तन बहुत हुआ है। हम 80 घाट पे हैं जी, जरा आप इधर आइए, क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है इन सालों में जो है? सर मैं बनारस से हूँ, सुंदरपुर मेरा घर है बीएचयू के पास। वहाँ पे पहले हम जाते थे तो बड़ा थोड़ा दूर निकलने पे गड्ढा गुड्ढी नज़र आता था, आज के डेट में रोड क्लीन है और चौड़ा भी है और हर जगह परिवर्तन। हम देश हमारा बनारस तो क्या हम करें, पूरे भारत में परिवर्तन हुआ है। और लाइन 24 घंटे अब रहती है, नहीं पहले लाइट कटती थी, रात में लोग सो नहीं पाते थे, बच्चे परेशान रहते थे, आज के डेट में सब चैन से सोता है और चैन से सब कुछ सही है। बिल्कुल सब कुछ सही है, बिजली आ रही है, सड़कें सही हो रही है। आप क्या कहेंगे इस काशी नगरी के लिए? काशी नगरी खुद बम बम बोल रही है, काशी मोदी जी, मोदी से लोग बोल रहे हैं, बम बम बोल रही है। आप कहाँ से आए हैं चाचा? तो इसी जगह है। क्या परिवर्तन नजर आया है काशी? बहुत में परिवर्तन है, परिवर्तन में कोई कमी नहीं है। क्या क्या भाई, मोदी जी जहाँ है तहाँ परिवर्तन तो होता ही रहेगा, जहाँ वो जब चले जाएंगे तो परिवर्तन मेरा जीरो। बिल्कुल, ये काशी कि जनता है और कहना है कि परिवर्तन तो हो ही रहे हैं और हर कोई बम बम काशी कह रहा है। जी बताइए चाचा, आप इधर आइए जरा, क्या लग रहा है काशी में क्या परिवर्तन हुआ है इन सालों में? सुनाई दे रहा है अक्सर जी, इनको सुनाए, आप बताइए क्या परिवर्तन हुआ है काशी में? बहुत परिवर्तन हुआ है और आप देख भी सकते हैं, आज हम लोग जिस घाट पे खड़े हुए हैं, इस घाट पर लोग 6 बजे के बाद शाम को आने में डरता था, यहाँ पर चोरी होती थी और भी अन्य तरह के गलत कार्य होते थे। मगर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी काशी में सांसद बने हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस काशी में, क्या पूरे भारत में पूरे भारत का विकास हुआ है और इस स्थान पर बिल्कुल 80 घाट पे इनका जैसा कहना है कि लोग शाम के बाद आने से डरते थे और आप इस समय देख रहे हैं कि स्वर लहरी बरस रही है, यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं और ये सुंदर सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। दुकानदार जो है वो यहाँ पे जो है दुकान लगाए हुए हैं। जी बताइए, इधर आइए, मैं एक दुकानदार से बात करना चाहूँगा।
सर ये बताइए जो है आप, सर जरा इधर आप आ जाएं, एक मिनट आ जाइए आप, आ जाइए देखिए जो है इस काशी में ये 80 घाट है और 80 घाट का नज़ारा जो है बिल्कुल बदला हुआ है। क्या कहना है आपका इस दौरान आप यहाँ पे, क्या पहले नज़ारा था जो है? पहले यहाँ नज़ारा पूरा मट्टी का लेर था, अब देख रहे चारों तरफ पूरा पत्थर है, सीढ़ी, बढ़िया बढ़िया आरती करने का जगह भी है। धंधा पानी पहले से बढ़ा है कि? हाँ पहले से तो बढ़ा ही है। क्यों बढ़ा है? विकास हो रहा है तो बढ़ रहा है बस, और क्या। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? श्रेय देखिए तो अभी यहाँ पे जब से फावड़ा वो चला के गए मोदी जी, तब से तो विकास यहाँ का हो ही रहा है और पर्यटक भी घूमने आ रहे हैं। जी विकास हो रहा है, पर्यटक भी घूमने को आ रहे हैं यहाँ पे। ये है 80 घाट और 80 घाट का नज़ारा। पूरे बनारस की अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं पर आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। काशी में मोदी जी रोड शो करके गए हैं, अब कह रहे कि हम प्रचार करने नहीं आएंगे। कितना विकास हो रहा है जिसके कारण जनता में इतना विश्वास है? सर मैं अपनी केवल अगर बात करना चाहूँगी तो मैं इस यहाँ की बहू हूँ, और जब मैं यहाँ पर जब आई थी नई नई शादी करके तो मुझे याद है कि हम लोग 11 बजे के बाद 11 बजे तक हम लोग फटाफट काम निपटा लेते थे। कोई लगता था अरे पूरे दिन लाइट चली जाएगी, उसके बाद फिर जब लाइट आती थी फिर हम लोग काम करते थे। हम लोग 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बच्चों को बहुत दूर हम लोग स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजते थे। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें थी, वो अभी जब बैठती हूँ तो एक सपने जैसा लगता है कि क्या वो बनारस था क्या कभी, जैसा सोचते थे हम लोग। और अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले आते थे तो कुछ नहीं था, आज के दिन में जब भी कोई आ रहा है बनारस 80 चलते हैं 80 चलते हैं 80, मतलब क्या हो गया कि हर बार बार आपको किसी न किसी रूप में हर देश का हर नागरिक बनारस को याद करता है। जब बच्चों के एडमिशन के लिए मैं कहीं जाती हूँ तो बोलते हैं बनारस से, अच्छा बनारस मोदी जी बनारस, दैट मीन्स कि मैं, लग रहा है कि मैं मोदी जी की फैमिली से ही हूँ, इतनी खुशी मिलती है। यहाँ की जनता और इस तरह उद्गार है इनके। आप भी 80 घाट पे आए हुए हैं, पूरे बनारस की अगर हम बात करें यहाँ की जनता चुनाव को लेके क्या सोच रही है? मैम ने बोला जैसे मोदी से पहचान है बनारस की, तो इनको हम बता देते हैं कि बनारस किसी का मोहताज नहीं है, बहुत पुराना सिटी है बनारस। और जब मोदी जी नहीं थे तो भी लोग बनारस घूमने आते थे, मेरी दादी थी मेरे बाबा थे उस समय भी लोग बोलते थे बनारस जाना है हमको घूमने, उस समय से ये बनारस है। लेकिन मोदी जी के आने से बनारस नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। ये पहले तो जो ये इवेंट वाली जो सिस्टम है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन विकास की अगर हम बात करें, घाटों का जो नज़ारा हो गया, सड़कों का हुआ, बिजली हुआ, इसको लेकर के क्या लग रहा है, कुछ हुआ है काम? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से जीतते हैं, सांसद बनते हैं और 10 साल में इतना विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, इनका भी कहना है कि 10 साल में इतना विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तमाम और लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए आप यहाँ पे आए हैं, काशी नगरी किस तरह देख रही है अपने इस चुनाव को जो है? सर काशी नगरी ये देख रही है बहुत बढ़िया काम किए हैं मोदी जी, और उनके माध्यम से जो बनारस में जब से तीसरा बार जो है संसदीय चुना जा रहा है, बहुत विकास हुआ है, रोड और फ्लाईओवर और शहर का बहुत विकास हुआ है, गांव क्षेत्र में भी लाइट वगैरह का बहुत बढ़िया विकास हुआ है, जल का भी व्यवस्था बढ़िया हो रहा है वहाँ पर, इसलिए मोदी जी को जो है फिर से आना चाहिए। जी बिल्कुल, फिर से यहाँ आना चाहिए मोदी जी को। ये यहाँ की जनता बोल रही है। हमारे साथ एक और सज्जन है, 80 घाट पे आए हुए हैं और मैं भी इस घाट पे आता था, कुछ फिजा बदली आ रही है, ये सुरलहरी जो है वो बह रही है यहाँ पे, इसको श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आप जो है? देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष योगदान तो रहा ही है काशी के लिए, विकास के मामले में काशी का काफ़ी विकास हुआ इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है, और यह निरंतर चलता रहे इसलिए प्रधानमंत्री को पूर्ण माने भारी बहुमत से लोग जिताएं और सरकार बने। जी बिल्कुल, भारी बहुमत से जिताएं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक लगेगा या फिर गठबंधन की जो प्रत्याशी है वो आगे आएंगे? देखिए इनका जो प्रभाव है वो काशी की जनता बहुत अच्छे से जानती है, पूरा विश्व इस समय मोदीमय है और आने वाले समय का इंतज़ार हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, और इस बार वाकई में 400 पार होना ही है और इस चीज़ के उम्मीद के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं मोदी जी का। 400 पार होना है, क्या लग रहा है आपको भी 400 पार होगा या सिर्फ नारा रह जाएगा? ये नारा नहीं, ये कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ये 400 पार बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि मोदी ऐसा नेता, ये विश्व, क्योंकि विश्व के लोग भी, विश्व के नेता भी, विश्व के देश भी जितने भी हैं सब मान चुके हैं कि मोदी ऐसा कोई नहीं है, तो हम लोग को, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं और आगे भी जो रहेगा। ये यहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं,
आप बुजुर्ग हैं, कई वसंत आप देख चुके हैं काशी नगरी को, क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको? बहुत बदलाव है, पूरा शहर बदल गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके और एरोप्लेन वो क्या नाम बाबतपुर रिंग रोड, हर जिला जुट गया फोरवे से, हर गलियां पक्के। श्रेय जनता को है जो उनको जिता रही है मोदी जी को। जी बड़ी बात इन्होंने कही कि श्रेय जनता को है जो इन्हें जिता रही है। ये नजारा जो है बदला हुआ नजारा है काशी का, क्या लग रहा है ये बदलाव जो है इसी तरह रहेगा या और ज्यादा उनसे आकांक्षाएं आप लोगों को? देखिए काशी एक सभ्यता और संस्कृति का और अध्ययन अध्यापन का एक शहर है और पौराणिक शहर है। यहाँ के हेरिटेज की धरोहर को, जो काशी का धरोहर था, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सीढ़ी, यहाँ की परंपरा, उसको संरक्षित कर करके शहर का विकास इस तरह से मोदी जी ने किया अपने में अद्भुत है कि यहाँ की गरिमा बची, यहाँ का एक मान सम्मान आतिथ्य बचा, यहाँ का भाव, यहाँ का अल्हड़पन, जो काशी का मिजाज होता है अल्हड़पन मिजाज, उसको संरक्षित किया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया। बिल्कुल काशी का मिजाज जो है बड़ा संरक्षित किया है मोदी जी ने। घाट पे जो नजारा बदला है, कितना पर्यटक आ रहा है? ऐसा देखिए, पर्यटक से दुकान चल सकता है, गंगा की शुद्धता नहीं हो सकती, ठीक है? दुकान चलाना शुद्धता दोनों में अंतर है। शुद्धता पवित्रता हमारे धर्म से जुड़ा है और ये जो भीड़ रंगरलियां इत्यादि देख रहे हैं इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, तपस्थली रही है। यहाँ संत महात्मा जिस जगह आप हैं, यहाँ तुलसीदास जी को भगवान स्वयं राम जी ने चंदन लेके तिलक किया था, तो ये स्थान का इससे संबंध नहीं है। जो अभी भौतिक हम देख रहे हैं इस भौतिकता से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन क्या लग रहा है जनता किस मुद्दों पे वोट करने आ रही है? जनता के पास जो आप पढ़ाएंगे, जो आधुनिक शिक्षा मिल रही है ना, इससे धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए धार्मिक शिक्षा जो जानेगा वही गंगा को जानेगा। जी बिल्कुल, धार्मिक शिक्षा को जो जानेगा वही गंगा को जानेगा। कुछ और लोग यहाँ पे हैं जी, बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जी आगरा यूपी से आए हैं। क्या लग रहा है, पहले भी यहाँ आए थे आप? हाँ आए थे पहले। क्या अंतर नजर आ रहा है आपको बताइए, उनसे पूछ लीजिए। घाट बदल गया है जो? हाँ कुछ तो बदला है, बहुत बदल गया है जी, कुछ तो बदला है। आप क्या कहना है? अरे बहुत बदला है, देखिए पहले यहाँ बैठ नहीं पाते सही से, अब देखिए कहाँ तक, वहाँ तक जाके बैठिए, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। जी बिल्कुल, बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं वो कह रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए। एक और है, हम उनसे बात करना चाहेंगे जी, क्या कहना है काशी के बारे में? काशी हमारी भव्य नगरी है, यहाँ पे आके हमें काफ़ी आध्यात्मिक भाव महसूस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और बाकी मेरे भाई बताएंगे। जी बिल्कुल, हम इस समय काशी के 80 घाट पे थे और जो यहाँ के प्रबुद्ध जन से, जो पर्यटक थे, जो श्रद्धालु थे, उनसे जो बात की, स्थानीय लोगों से बात की, सबका कहना है काशी में जो बदलाव की बयार बह रही है उसके पीछे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और लोगों का कहना है हम धन्य है कि हम उन्हें वोट कर रहे हैं। निसंदेह एक बदलाव की बयार काशी में बह रही है। सहारा समय की टीम ने जो जायजा लिया है उसको लेकर के, जो 25 यहाँ पे जो मतदान होना है वो कितना बदल पाता है यहाँ के और कितना परसेंटेज बढ़ा पड़ता है ये तो समय की बात है, लेकिन फिलहाल सहरसा में के चुनाव चौपाल में इतना ही। वाराणसी से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ छत्रपति शिवाजी, सहारा समय।